तुमने सहयोग किया। पहले मैसेज भी खुलाओ समस्त बुराओ इस गाँव में बैठे हैं धमनाबारी में, यहाँ के लोगों को, अपने नगरवासियों को और देशवासियों को मेरा प्रणाम। विचार तो मन में सौदा आते हैं, विचारों के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं इस मंदिर के प्रांगण में पहली बार आया तो मैंने गुरु जी के उपकार देखे कि यहाँ पे क्या है कि बिना माँ बाप की बच्चियाँ और कई ऐसे गरीब परिवारों का सहारा बने थे हमारे गुरुदेव जो यहाँ पे इस मंदिर के प्रांगण में देख रेख करते हैं। तो जब बहुत करीब से हमने देखा तो हमें महसूस हुआ कि इनके अच्छे कार्यकाल में हमारा थोड़ा सा भी अंशदान अगर मिल जाए जगदम्बा की कृपा से ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं कुछ कर सकूँ। मैं जिस लायक था मैंने यहाँ पे मंदिर में सब लोगों के साथ बैठा, मीटिंग हुई, मैंने यहाँ पे बताया कि जितना भी बच्चियों के लिए या यहाँ के जो भक्तगण हैं उनके लिए या हमारे गुरुजी के जो आपस के लोग हैं उनके लिए जितना भी भोजन व्यवस्था है वो मैं करूँगा। और आज वो अच्छा दिन था, शनिवार का दिन है तो अन्न जो दिया जाता है तो हम लोगों के हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं प्रांगण में आके चला आया। इसके अलावा मंदिर में कुछ कमी है क्या, उसके सहयोग की भी कुछ 1-2% हमें धर्म कोई भी हो उस धर्म से कोई लेना देना है, हमें हर उस आदमी से लेना देना है जो इंसान और इंसानियत जानता है। जो कोई भी होगा किसी जात का होगा अगर वो किसी की हेल्प कर रहा होगा उसे कहीं पे भी ज़रूरत होगी तो मैं संदीप सुराऊगी हमेशा उसका साथ ही बन के हमेशा उसके साथ खड़ा मिलूंगा। मुझे भगवान ने जो भी दिया है मैं चाहता हूँ कि समस्त झांसी समस्त नगरवासी औकात हुई तो समस्त उत्तर प्रदेश मैं जितना कर सकूँगा मैं जिंदगी भर करूँगा। यह मेरी आंतरिक इच्छा है, मतलब मेरी मन की इच्छा है कि जो भी इंसान किसी की हेल्प करेगा मैं उसके साथ सदा खड़ा रहूँगा। मुझे उसमें ना किसी पार्टी की ना किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने क्रियाकलाप में अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, वो किसी जात के हों किसी धर्म के हों, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसान और इंसानी रिश्ते को मानता हूँ। धन्यवाद।